अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने हमारा फेसबुक पेज, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपने BFIC गोल्ड नेटवर्क पर किस तरह अकाउंट बनाना है। तो काफ़ी दोस्तों को रजिस्ट्रेशन करने में मसला आ रहा था, तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपने इस पर किस तरह रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करनी है, और उसके अलावा आपने यहाँ पर आके आपने किस तरह फ्री में स्टेकिंग करनी है। तो सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया था। तो फॉलो माय स्टेप्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर को जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर सामने सर्च बार वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पर गूगल प्ले लिखा हुआ था। आपने यहाँ पर सर्च करना है बी, तो मैं सर्च कर देता हूँ BFIC। तो आपने सी आगे लिख देना गोल्ड, तो BFIC लिखना है, वी नहीं लिखना। तो उसके बाद आपके पास इस तरह का ऐप ओपन होगी, तो आपने क्या कर लेना है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा वो इस तरह का होगा। तो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा क्रिएट न्यू वैलेट, तो आपने इसने पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिकवरी फ्रेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, कॉपी रिकवरी फेस नीचे नज़र आ रहा होगा, इसको कॉपी करके आपने नोटपैड में रख लेना है। तो क्या करना है, जैसे ये नंबर वाइज आपको दिए होंगे ना, तो आपने इसको नंबर बाय नंबर आपने इसको एंटर करना है। तो नीचे आपको कंटिन्यू वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपने जो कॉपी रिकवरी फेस किया था आपने यहाँ पर एंटर कर लेना वन बाई वन। तो जैसे आप वन बाय वन इंटर करेंगे तो नीचे आपको कंटिन्यू वाला बटन नज़र आ रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपने जो प्राइवेट की होगी इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, किसी भी आपने नोट पैड में इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको रिकवरी के वक्त काम आए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपके पास ये जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। तो ये BFIC की ऐप है, तो इस तरह आपके पास इंटरफेस शो होगा। तो आपने क्या करना है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे स्टेक, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। आपको नीचे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का फिर इंटरफेस शो होगा। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको नज़र आ रहा होगा कनेक्ट वैलेट, वो ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसमें हाईलाइट भी कर देता हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपने ब्रोज़र वैलेट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। आपने मेटा मास्क पे नहीं क्लिक करना है, ना आपने ट्रस्ट वैलेट पे क्लिक करना है, ना आपने कॉइन बेस पे क्लिक कर लेना है। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ब्राउज़र वैलेट, जस्ट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका जो वैलेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जो आपका वैलेट होगा यहाँ से एड्रेस डन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएटिव स्टेकिंग प्रोफाइल, आपने सबसे पहले फुल नेम इंटर करना है, उसके बाद यूज़र नेम यहाँ पर आपने इंटर कर लेना है। तो यूज़र नेम इंटर करने के बाद आपको ईमेल नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ईमेल इंटर करने के बाद आपने यहाँ से कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान हूँ तो मैं अपना जो कंट्री कोड है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जो फ़ोन नंबर है वो इंटर कर लिया। तो फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद आपको जो रेफरल आईडी आपने इंटर करनी है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो नज़र आ रही होगी, वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेनी है। तो इंटर करने के बाद आपने ये नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट और राइट, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ लेफ्ट, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, राइट वाला आपने क्लिक नहीं करना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट स्टेकिंग प्रोफाइल, इस पर आपने क्लिक कर लेना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक पॉपअप शो होगा, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास दोबारा इस तरह का स्टेकिंग वाला मतलब पेज ओपन होगा, तो आपको नज़र आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग, ठीक है। अगर आप दोबारा करेंगे तो आपको ये वाला मसला नज़र आएगा, अगर आप दोबारा बार बार परफॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपके पास ये मसला नहीं आएगा। तो आपने जस्ट 10 मिनट वेट कर लेना है। तो जैसे ही आप 10 मिनट वेट करेंगे जो आपके मतलब जो आपके BFI गोल्ड है ना वो आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो चुका है, तो वन जो BFI गोल्ड है वो मेरे पास रिसीव हो चुका है। तो नीचे नज़र आ रहा है अप्रूव, तो मैं इस एड्रेस को अप्रूव कर लेता हूँ। तो अप्रूव वाला बटन मैंने क्लिक किया तो आपको इसके नीचे नज़र आ रहा होगा टैप टू अर्न, ये मेन्यू के साथ ही, तो मैंने के साथ ही आपको टैप टू जिस पे मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा। इस पे आपने जस्ट टैप करना है तो आपका जो जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो यहाँ पे मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह आपकी जो स्टार्टिंग है ये नज़र आ रहा होगा, तो स्टार्ट माइनिंग इस पर हो रहा है। तो जैसे ये 3 PM ख़त्म हो गए तो आपकी जो अर्निंग है
वो इंक्रीज़ होगी। चले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपना रेफरल लिंक कैसे निकालना है। मेन्यू पे क्लिक कर लेना है, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आपको जो यहाँ पे आपकी जो रेफरल आईडी होगी वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो लेफ्ट वाली साइड आपकी वाली आईडी होगी, तो राइट वाली साइड आपकी तो ये वाली आईडी होगी। तो आपने जो अपनी रेफरल आईडी है लोगों के साथ शेयर करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।